दोस्तों, आप में से काफी जनों के अभी ई कंपेन में, इनकम टैक्स ई कंपेन में, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में काफी सारे आप लोगों को SMS आ रहे होंगे जिसमें RD का इंटरेस्ट, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट, ऐसी बातों के बारे में भी आपसे पूछा जा रहा होगा दोस्तों। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, पिछले 2 दिन से बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे पास FD का इंटरेस्ट दिखा रहा है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमें वहाँ पे दिखा रहा है। किसी की क्वेरी है कि मेरे टोटल 3 सेविंग बैंक थे जिसमें से 2 की तो मैंने ITR में डाल दिया था, एक का नहीं दिखा रहा है, एक का मैंने नहीं डाला, उसका हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन में आ रहा है। अमाउंट 10, 15, 20, 25, बहुत छोटे छोटे अमाउंट है जो गवर्नमेंट उस हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन वाली उस पर्टिकुलर ई कंपेन में उसको भी कैप्चर किया जा रहा है। अब डाउट लोगों को ये आ रहा है कि हमें करना क्या है, क्या ITR रिवाइज करनी है, इसका रेस्पॉन्स कैसे देना है, पहले ITR रिवाइज करनी है या पहले रेस्पॉन्स देना है। तो ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, मैं आपको इसकी A to Z सारा सॉल्यूशन दूंगा ताकि आपको दर बदर कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़े दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जब भी हम ITR भरते हैं हमसे गलती क्या होती है, हम जो भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है हम वो कैलकुलेट नहीं करते और वो उसमें नहीं डालते हैं। सोचते हैं कि 10,000 तक तो वैसे भी वह डिडक्शन मिल जाता है, तो 10,000 तक होता है तो हम वैसे ही नहीं डालते हैं। तो एक गलती तो अपन ये कर देते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, जो मोस्टली बहुत जने करते हैं, FD पे जो हमें साल दर साल इंटरेस्ट मिलता है, अभी हमने FD करा रखी भी है कि जो भी हमें इंटरेस्ट मिले वो उसी FD के अमाउंट में ही ऐड हो जाए, तो हम उसको इनकम नहीं मानते हुए, क्योंकि हमें वो एक्चुअली में रिसीव तो होती नहीं है तो हम उसको इनकम नहीं मानते हैं। हमें लगता है कि हमें कुछ रिसीव तो हुआ ही नहीं है, बैंक अकाउंट में कुछ आया ही नहीं है, और उस FD या RD का जो भी ब्याज है उसको हम हमारी इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाते हैं दोस्तों। ये दूसरी गलती हम कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ITR भरते समय जितने भी सेविंग बैंक अकाउंट है, जी हाँ, जितने भी आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट, चाहे कोई किसी में अमाउंट हो नहीं हो, चल रहा हो, बंद हो, जो भी हो, सबसे आपको इंटरेस्ट की डिटेल निकालनी है, वो डिटेल आपको फाइल करनी चाहिए। दूसरा, FD में आपको साल के एंड में आपके बैंक से FD का लेटर ले लेना चाहिए कि भैया मेरी FD की वैल्यू कितनी हो गई है, कितना मेरा इंटरेस्ट आपने क्रेडिट किया है उस FD के अकाउंट में, वो FD का इंटरेस्ट भी आपको आपकी रिटर्न में डालना चाहिए, अकॉर्डिंगली आपको रिटर्न भरनी चाहिए। तो ये तो हो गई कि हम गलतियों से कैसे बचें। अब बात, हम गलती कर चुके हैं, ई कंपेन में वो चीज़ आ चुकी है, तो 2-3 तरीके के केसेस बनते हैं। पहली चीज़ दोस्तों, आपने आपके पास एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट थे और आपने कुछ एक का सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपने डाल दिया था ITR में, बाकी का नहीं डाला, तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आपने ITR आपकी ड्यू डेट से भरी है तो आप अभी भी उसको रिवाइज कर सकते हो। आप उस बाकी का जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट ने कैप्चर किया है उसको आप आपकी ITR में डालो और आपकी ITR को आप रिवाइज कर दो। वहाँ पे जो रेस्पॉन्स आ रहा है, अगर वो सही है, एक्चुअली में आप इससे रिलेट करता है, तो आप उसको एक्सेप्ट करके उस रेस्पॉन्स को सबमिट कर दो। बस ये ध्यान रखना सबमिट करने से पहले कि आपने ITR पहले जो भरी थी क्या वो सही थी, अगर वो सही नहीं थी, उसमें आपने वो चीज़ आपसे मिस्टेक से रह गई है, तो आप उसको वापस से डालो और आपकी ITR को आप रिवाइज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप आपकी ITR को रिवाइज कर सकते हो। दूसरा केस आता है दोस्तों FD के केस में, आप लोगों को लगता है कि FD मेरे बैंक अकाउंट में तो आई नहीं, नहीं दोस्तों, वो आपको अक्रू हो गई है, आपको अर्न भी हो गई है, उससे आपका FD का बैलेंस बढ़ गया है, तो आपको आपके बैंक से संपर्क करना चाहिए, उनसे FD का लेटर लेना चाहिए कि भैया कितना ब्याज फाइनेंशियल 19-20 में आपने हमें क्रेडिट किया है, उस अमाउंट को लेते हुए आपको आपकी ITR रिवाइज करनी चाहिए। उसके बाद सबमिट रेस्पॉन्स वाला जो ऑप्शन है वहाँ पर एग्री करके आपको रेस्पॉन्स आपका सबमिट कर देना है। ध्यान रखिएगा, आपको एग्री तभी करना है जब वो आपसे पर्टेन करता हो, पहली चीज़, और आपने ITR आपकी वापस से रिवाइज कर दी हो। अगर ITR में पहले से दिखा रखा है तब कोई इशू नहीं है, बट आपको ITR रिवाइज करने की जरूरत पड़ रही है, अगर क्योंकि आपने पहले मिस्टेक से, गलती से, ना समझी की वजह से आपसे वो रह गया था अमाउंट, तो आपको अब वो अमाउंट उसमें डालना है और आपकी ITR रिवाइज करके वहाँ पे रेस्पॉन्स आपको सबमिट कर देना है। अगर वो चीज़ आपसे पर्टेन नहीं कर रही है, बहुत बार डुप्लीकेट भी आ रही है दोस्तों, चीज़ें डुप्लीकेट भी आ रही है कि FD का अमाउंट 2 बार रेस्पॉन्स में दिखाया जा रहा है, तो एक को आप एग्री कर सकते हो ITR रिवाइज करने के बाद, और दूसरे को आप डिसएग्री करके उसमें रीजन डाल सकते हो कि भैया डुप्लीकेट एंट्री है, पहले ही इसका रेस्पॉन्स मैं दे चुका हूँ या दे चुकी हूँ। अब बहुत सारी चीज़ें, अब लोगों को एक डाउट उठ जाता है कि मैंने पहले कम अमाउंट दिखाते हुए जो मेरा TDS कटा था उसका मैंने रिफंड भी ले लिया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या उस TDS का वापस मैं क्लेम करूँ या नहीं करूँ। तो दोस्तों, जब आप रिवाइज़ कर रहे हो रिटर्न को, तो आपको ऑल टुगेदर ये मान के चलना है कि आपने अभी तक कुछ फाइल ही नहीं किया है, ऑल टुगेदर वापस सारी टोटल इनकम दिखाइए, जो भी 26S में TDS आ रहा है उसको वापस से क्लेम करिए, और जो भी अब आपका अमाउंट बन रहा है, अगर टैक्स पेबल बन रहा है तो आप उसको पेमेंट करिए, टैक्स पेबल नहीं बन रहा है, अभी भी आपका रिफंड बन रहा है, तो आप उसको क्लेम कर लीजिए। अगर आपका टैक्स पेबल बन रहा है तो आप जो भी टैक्स आपका बन रहा है उस पहले वाले रिफंड को आपको भी सोचना ही नहीं है कि आपने रिफंड लिया है या नहीं लिया है,
वो आप भूल जाओ, आपको ऑल टुगेदर नया बनना है, वापस टीडीएस का अमाउंट क्लेम करना है। लेट सपोज आपने पहले टैक्स रिफंड आपके बन रहा था 20,000 का टीडीएस कटा, पूरा का पूरा रिफंड बन रहा था और आपके रिफंड बैंक अकाउंट में भी आ गया। अब जब वापस आप नई इनकम ध्यान में पड़ी, उस नई इनकम को जब डाल रहे हो आप, तो मान लो आपके 30,000 का टैक्स बन रहा है जिसमें से 20,000 का टीडीएस है, तो 10,000 का आपको वापस पेमेंट करना है दोस्तों, पहली चीज। जी हाँ, आपको 10,000 का तो आपको पेमेंट करना है, और जो पहले रिफंड आपके आ चुका था, जी हाँ दोस्तों, आपको जो रिफंड आ चुका था अमाउंट, उसको गवर्नमेंट आपसे वापस मांग लेगी कि भैया जो पहले हमने आपको रिफंड दिया था वो रिफंड आप वापस दे दो ब्याज के साथ। बस तो आपको एकदम रिफ्रेश तरीके से फर्स्ट इंस्टेंस की तरह से ही उस रिटर्न को मानते हुए भरना है। जो भी टीडीएस आ रहा है 26S में उसको वापस क्लेम करिए, जो भी टैक्स उसके एडजस्टमेंट करने के बाद बन रहा है आप वो टैक्स पेबल चुका दीजिए, और जो भी आपने ऑलरेडी रिफंड अमाउंट आ गया था जो नहीं आना चाहिए था वो गवर्नमेंट आपसे वापस मांग लेंगे, आपको ब्याज के साथ उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो ये आई थिंक सारी क्वेरीज आपकी इसमें मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अगर फिर भी अभी भी आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, आप वहाँ भी हमें संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। आई होप आपसे आपकी इस वीडियो के बाद बहुत सारी क्वेरीज खत्म हुई होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।